forever, ever, hold it, never mind. Oh, I. Hello, hello. I welcome you to Soul's Tarot. I'm here to do your reading for all the zodiac signs for March 2021. So, ये एक हिंदी और इंग्लिश रीडिंग होने वाली है. हमने अभी अभी स्कॉर्पियोस की रीडिंग की है और स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस की रीडिंग की है, धनु राशि की रीडिंग की है. अब हम करने वाले हैं केप्रिकॉन, हमारे मकर राशि. चलिए देखते हैं केप्रिकॉन्स आपके लिए आने वाला मार्च क्या लाने वाला है. ओके, सो द थिंग इज वेरी सिंपल. अगर रीडिंग रेजोनेट करती है उसको लाइक और सब्सक्राइब करेगा, और अगर नहीं करती है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा. राइट, हैविंग सेड दैट, आई एम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर, रिवर्सल्स नहीं करते हैं. राइट, और सिर्फ एनर्जीज में टैपिंग करते हैं, कोई जेंडर नहीं होता है. हैविंग सेड दैट, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, टाइटल अट्रैक्ट करता है कभी, तो ऑब्वियसली इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ है. राइट, हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन. सो मुझे 5 शफल्स बोल रहे हैं आपके सामने करने होते हैं. ऑथेंटिक मैसेजेस हम डिलीवर करते हैं. मंत्र द चैनल इज वेरी सिंपल, हील द वर्ल्ड कलेक्टिवली सो दैट वी कैन हील आवरसेल्व्स, एंड देयर आर नो रीजंस और सीजंस टू स्प्रेड जॉय, पीस एंड हैप्पीनेस. लेट्स जस्ट डू दैट. आई सेंड यू लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट. 2-3 शफल्स और बोल रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, अगर ये बॉदर कर रहा है आप म्यूट कर सकते हैं. मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. पर्सनल रीजंस मैं ऑफर करती हूँ, इन पे आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी केप्रिकॉन्स मार्च आपके लिए क्या लाने वाला है. 2021 मार्च मेरे केप्रिकॉन्स के लिए, मकर राशि के लिए कैसा होने वाला है. लेट्स गेट इनटू दिस. एज में एंटर कर रहे हैं एयर, एयर लव. 6-12 का जिसका भी जैसे भी स्प्रेड आएगा वो हम जरूर लेंगे. राइट, वी गोना टेक दैट. बट सो बेसिकली करंट एनर्जी आपकी प्रीवियसली कैसा रहा होगा एंड एडवाइस क्या है वो हम देखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वार्टर के बेसिस पे. ओके, सो अपना डिसर्नमेंट यूज करेगा सो दैट यू कैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ द रीडिंग. बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड लग रही है, स्ट्रांग रीडिंग है, सक्सेस, दे शो मी सक्सेस. ओके, वाओ, वेरी नाइस. केप्रिकॉन इज अमेजिंग रीडिंग है आपकी, ऑनेस्टली. मकर राशि, अगर आप एक्चुअली देख पाए विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर, यू नो व्हाट इज दिस इज अबाउट. पार्टनरिंग, कोलैबोरेटिंग, जनरल लव करियर रीडिंग है ये. प्लीज़ मेक कीप दैट इन माइंड. अपना सन मून राइजिंग देख लीजिएगा. वेस्टर्न और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों में डाबल करती हूँ, तो जो जोड़िया जो नंबर्स बात करेंगे उनके बारे में जरूर बात करूंगी. सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी. सो जैसे मैंने कहा सक्सेस दिखा मुझे केप्रिकॉन, सो इट्स अबाउट डिविडेंड्स, टाइम टू रीप द बेनिफिट वाला फेज होगा आपका मार्च फर्स्ट बिट में. बिकॉज एज आई सेड दिस इज अबाउट कोलैबोरेशन, दिस इज अबाउट हैविंग पीपल कमिंग टूवर्ड्स यू और यू गोइंग टूवर्ड्स द राइट काइंड ऑफ पीपल टू रीप इन व्हाट यू नीड टू रीप इन, टू मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज. जो अपॉर्चुनिटीज आपके राह में आ रहे हैं, रस्ते में आ रहे हैं, उनका बेस्ट निकालना इज व्हाट दिस इज ऑल रियली टॉकिंग अबाउट. ओके, और वो आपके करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है. अगर रिलेशनशिप है विद द 2 ऑफ कप्स, वो बहुत ही स्ट्रांग, पैशनेट और बैलेंस्ड रहेगा. कोई प्रीवियस एंगेजमेंट भी हो सकता है जो मुड़कर वापस आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है फॉर समबडी. और कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने को है. बिकॉज जैसे मैंने कहा यूरानस और सैटर्न का जो ट्रांजिट हुआ है उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स देयर आर कमिंग अराउंड, और फुल मून आ रहा है इन वर्गो.
विच इज ब्रिंगिंग इन सर्टन थिंग्स जो हम एक्सपेक्ट नहीं करें. इट्स ऑल्सो अबाउट दी नॉट सो एक्सपेक्टेड थिंग्स इन लाइफ, राइट. सो यू वुड बी सक्सेसफुल बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड. आप वो चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लाइक माइंडेड लोग अट्रैक्ट करेंगे, रिलेशनशिप्स में, करियर में, फाइनेंसेस में, होम फ्रंट में. कोई प्रेशर अगर होगा तो वो भी लेट गो हो जाएगा, बिकॉज द वाइब इज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव. जो प्रीवियस दिखाते हैं गोइंग फॉरवर्ड सेकेंड फेज में, वो यही है कि आप मेलनकली, आप जो आप प्लांट कर चुके हैं, जो आप प्लांट कर रहे थे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लाइक अगेन डार्क अर्थ एनर्जी, कि आप वो जो कर चुके हैं, जो कर आए हैं, वो तो आपने किया ही है. अब उसके डिविडेंड्स खाने का यू नो समय आ रहा है. तो यही कह रहे हैं आप सही रास्ते पर हैं, बिकॉज विद एस ऑफ पेंटिकल्स योर बिगिनिंग इज अबाउट टू स्टार्ट. इट्स अ बिग पेंटिकल, समथिंग गुड बिग इज कमिंग अराउंड, एंड विद थ्री ऑफ पेंटिकल्स यू आर देयर टू कोलैबोरेट. सो पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, सब बेहतर होने वाला है. एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हर फ्रंट पर आने वाली है, और वो आपको एडवाइस करें विद द नाइट ऑफ वंड्स. फायर हो सकता है. सो एडवाइस यही कर रहे हैं कि पैशनेटली करते रहिए, प्रेशर में गिवन मत करिए. जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू डूइंग, जस्ट लव व्हाट यू डू, एंड कीप दैट ड्राइव ऑन, कीप दैट कंपैशन ऑन. एंड शायद मे बी लाइक देयर इज अ फ्रेंड हु इज आस्किंग फॉर हेल्प. आई डोंट नो, ये मैसेज किसी के लिए है कि सम फ्रेंड इज नीडिंग सम काइंड ऑफ हेल्प, यू नो, डू हेल्प दैट फ्रेंड. आई डोंट नो, कीप दैट इन यू. एंड एम्प्रेस, स्ट्रांग कैंसर लिब्रा टॉस काइंड ऑफ एनर्जी, दैट यू कंप्लीट, यू वुड बी अट्रैक्टिंग थिंग्स दैट यू नीड इन योर लाइफ. आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट. हो सकता है यू माइट हैव कैंसर इन योर चार्ट, यू माइट हैव लिब्रा इन योर चार्ट, चेक दैट. एंड यू बी अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज यू हैव डन द राइट वर्क, यू हैव डन द राइट बिट्स. एंड जो भी आप करने वाले हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, हाईली इनफैक्ट बेनिफिशियल रहेगा, और कमर्शियल गेन्स आपको होंगे. और जॉय और कंपैशन के साथ आप चलते रहेंगे आगे, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर गोइंग टू कम योर वे. So this is amazing for you guys. I'm so happy. My Capricorn March 2021 looks very promising, very progressive. So just a quick recap going forward. Okay. You'll be creating things from a space which is more balanced, which is about love, about compassion, about that drive, about that understanding that will bring about the right kind of changes you're looking for in your personal life or professional life. Previously जो आप कर रहे थे, आपने जो किया है वो deepen आप करने वाले हैं. Reflective होगा तो आप वो देख पाएंगे. With the three of pentacles there would be in progression and वो चलता रहेगा. With the Knight of Wands, again the same thing, they're saying keep going, do not stop, as you're just about to reap the dividends. Success जब आता है financial या emotional, उसके dividends in time आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे we all know, right? So solid foundation अगर होती है, devotion होती है, तो automatically चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं. So this is what I have for you, my Capricornians, in March 2021. I hope you like the reading. If the reading resonated with you, do send your love by liking it, subscribing it. I'll be grateful. And if not, you can discern it and still like it, right? So have a wonderful, wonderful day. And I shall see you again. Bye.